जय महाकाल दोस्तों, आज का विषय हमारा है कुंडली जागरण। जी हाँ, कुंडली जागरण। मैं आज आपको एक ऐसा सिंपल उपाय बताऊंगा जिससे आप अपनी कुंडली बहुत ही आसानी से जागृत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से। आपको करना क्या है, सुबह 4 बजे या 6 बजे के बीच में जगना है और अपना मुंह हाथ धो के शौच आदि से निवृत्त होकर या तो बिस्तर पर या नीचे आसन बिछा के आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है। या तो पदासन में बैठ जाएं या जैसे भी आप पे बैठा जाए, और अपनी आंखें बंद कर लेनी है। वातावरण एकदम शांत रहना चाहिए, आवाज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए और सर्वप्रथम 5 बार अपने गुरु को नमन कीजिए। यदि गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं है, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, ओम शिव गुरुवे नमः, ओम शिव गुरुवे नमः, 5 बार करके बिल्कुल शांत बैठ जाए। आपका जो ध्यान है अपनी थर्ड आईज पर लाएं। थर्ड आईज दोनों आँखों के मध्य जहाँ पे हम तिलक करते हैं या स्त्रियाँ बिंदी लगाती हैं, वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपना ध्यान वहाँ पे केंद्रित करेंगे तो आपका शुरू में आपको धुंधला धुंधला अंधेरा ही दिखाई देगा, लेकिन जब आप रोज 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट या इससे ज़्यादा समय प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपके शरीर में कुछ झटके से अनुभव होंगे। जी हाँ, झटके, एक करंट सा, और शरीर में 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद खुजली दिक्कत होगी, खुजाने की। कहीं पे ऐसा लगेगा कि भाई कुछ चींटी काट रही है या कुछ ऐसा महसूस होगा कि आपको खुजली करने का मन करेगा, तो इस तरह आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो विकारों के कारण होता है। सिर्फ आपको अपनी थर्ड आईज पे ध्यान केंद्रित करना है, बस। रोज आपका सुबह का टाइमिंग होना चाहिए और एक ही फिक्स टाइम होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। तो देखोगे दोस्त, आपका कुंडली का अनुभव कुछ लोगों का 1 वीक में, कुछ का 2 वीक में, कुछ का 1 महीने में कुंडली अनुभव स्टार्ट होना लग जाएगा। मैं ये नहीं कहता 1 महीने में आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी, नहीं, उसे समय लगेगा, लेकिन आपको महसूस होगा कि हाँ, मेरे शरीर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। दोस्तों, आप एक बार करके देखिए, सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, बस एक बार करके देखिए और जो होता है अपने विचार मुझसे शेयर कीजिए। इससे आसान तरीका कुंडली जागरण का आपको कोई नहीं बताएगा। जय महाकाल कीजिए।